हेलो फ्रेंड, मैं आम से हर्षिदा पटेल। आज हम बनाएंगे भाखरवड़ी। भाखरवड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कि अमूल का ऑर्गेनिक बेसन, और ये है बटर, ये है थोड़ा मैदा। तो ये लेके आज हम बनाएंगे भाखरवड़ी। इसका मसाला है, पहले हम आटा गूंद लेते हैं, बाद में हम इसकी रेसिपी बताते हैं मसाले की। आटे को हम 10 मिनट, 5-7 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं, तो पहले हम इसका आटा गूंद लेते हैं। यहाँ हम एक कटोरी आटा लेंगे, इससे हाफ कटोरी हम ये मैदा लेंगे। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक, नमक हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि इसमें हम जो स्टफिंग करते हैं उसमें भी नमक आता है। दो चम्मच हम इसमें लेंगे मेल्ट किया हुआ बटर, हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसे थोड़ा सा हार्ड लो बनाना है इसका। थोड़ा पानी लेना है, नरम न हो जाए। थोड़ा सा हम तेल लेके इसे स्मूथ बना लेंगे ऐसे।
ये पराठा रोटी हम चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। ये मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ ये सिंगदाना, तल, चीनी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सब मैंने लेके ये मसाला तैयार किया है। ये सब हमने थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक मैंने इसे भून लिया। बाद में इसको मैंने मिक्सर जार में क्रश करके ये सब मिक्स करके इसमें मैंने चीनी और खट्टे के लिए आप आम का आमचूर पाउडर, लींबू का रस या इमली पल्प कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब लेके मैंने ये इसका मसाला तैयार किया है जो हम इसमें भाखरवड़ी में स्टफ करेंगे। हम यहाँ तेल को गर्म करने के लिए रखते हैं, हमें फ्राई करना है इसे। हमें एक बड़ी रोटी सी बनानी है। ऐसे हमें बेल लेना है। बहुत जाड़ी भी नहीं और पतली भी नहीं, ऐसी हमें एक रोटी बनानी है। इसकी धार हम चारों तरफ से ऐसे निकाल लेंगे तो हमारा शेप बहुत अच्छा आएगा। बाद में हम फिर से इसको यूज कर लेते हैं। इस पर हम लगाएंगे हमारा ये रेडी किया हुआ ये स्टफिंग मसाला।
पूरी पूरी रोटी पर इसे अच्छी तरह से फैला लेना है हमें ऐसे। देखो ऐसे अच्छी तरह से इसे पूरी रोटी पर हमें फैला लेना है। अब हमें इसे एकदम टाइट रोल बनाना है। इसकी धार पर हमें ऐसे पानी चिपकाना है तो अच्छी तरह से वो चिपक जाएगी और निकलेगा नहीं। अब हमें इसे कट कर लेना है। किनारी को हम ऐसे निकाल लेंगे, बाद फिर से हम यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे देखो हमारा तेल हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। इसको हमें हाथों से ऐसे अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ऐसे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह हमें दूसरी रोटी भी बनानी है और ऐसे हम कर लेते हैं। स्लो टू मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है।
स्लो गैस पर ही हमें इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखो ऐसा थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है हमारा भाखरवड़ी का। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स एकदम क्रंची और टेस्टी हमारी भाखरवड़ी रेडी है। आप ये चाय के साथ खा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो। इसको आप 5 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। थैंक यू अमूल टीम।